बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली खैर खैरियत से होगी। अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक दुआ के साथ कर रहे हैं हम आज की वीडियो का आगाज। आप सब आज देखकर खुश हो जाएंगे मेरे साथ, मतलब डीजी खान से नहीं, लाहौर से बहुत ही प्यारी बहन, जानी पहचानी मानी हस्ती। अभी सरप्राइज है, आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और मैं आज इतनी खुश हूँ इस मुआशरे में इतनी तकलीफें झेलने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद, जब इतनी दूर से ऐसे अच्छे अच्छे लोग मुझसे मिलने आते हैं तो मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा फख्र होता है। और आज मेरे सारे दुश्मन एक बार फिर से जलने वाले हैं। हमारे प्यारी सिस्टर जिसके 6 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर एक चैनल पे हैं, 2 चैनल, 3 चैनल, माशाल्लाह 3-4 चैनल है इनके, तो लाहौर से स्पेशली मुझसे मिलने आई है। हमारे साथ है जिनका हमें काफी देर से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। आपको मिलवाने जा रहे हैं लाहौर की जानी मानी फेमस यूट्यूबर, और मुझे बहुत ज्यादा आज खुशी हुई खड़ी है, प्यारी प्यारी बहन, प्यारी प्यारी बहन कहाँ चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, आपको आरजे हाउस में, डराजी खान में, और हमारे कोर्ट छुट्टे में, कोर्ट छुट्टे में कोर्ट छुट्टे का इलाका है जी, इसका नाम है। आ जाए, गर्मी है बहुत ज्यादा, गर्मी तो बहुत हो रही जी। तो प्यारे बहन भाई, हेलो कोर्ट छुट्टे वालों, मैं हूँ उज़्मा की दुनिया, उज़्मा की दुनिया, और स्ट्रॉन्ग उज़्मा, स्ट्रॉन्ग मेविश के साथ आज स्ट्रॉन्ग उज़्मा। मुझे कहते हैं लोग जनूबी पंजाब की शेरनी और एक लाहौर की शेरनी, आज 2 शेरनी है, पता नहीं आज किसका भट्ठा बैठने वाला है। नहीं अल्लाह ना करे, मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला, और काफी मतलब आपने कल परसों से कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके चैनल पर कमेंट किए, तो कमेंट में मुझे आप पता नहीं मिला, लेकिन ये है कि मैंने मेन चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा से किया। माशाल्लाह, स्ट्रॉन्ग उज़्मा चैनल किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, 6 लाख से भी ऊपर इनके सब्सक्राइबर है। वैसे तो इनके 3-4 चैनल और सबसे बड़ी सिर्फ 2 ही चैनल, 2 चैनल, वो आपके मियां वाले, किधर जाएंगे वो, वो भी तो आपके नाम पे फेमस है ना। तो वो मियां बीवी दादा है, फिर भी व्यूज तो आपके नाम से आ रहे हैं, वैसे उसको कौन जानता था, मेरे हिसाब का शोहर की तरह उसे कोई नहीं जानता था, इसकी वैल्यू है इतनी बेइज्जती। नहीं नहीं, इज्जत हो रही है आपके नाम से व्यूज ले रहे हैं, इज्जत है उसकी, बेइज्जती किस चीज की है। देखिए वो इतनी मेहनत करते हैं दोनों मियां बीवी, मेहनत जो करता है मुझे मैं देखती हूँ आपकी वजह से देख जाती हूँ। देखो स्ट्रॉन्ग उज़्मा की शोहर क्या काम कर रहे हैं, कौन सा नया काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। सो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ स्ट्रॉन्ग उज़्मा की, बहुत तेज है भाई, तेज होना पड़ता है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी निकली रही है। आज होकर प्यारी बहन भाइयों, ये गाड़ी आप देख रहे हैं मुझसे मिलने आई है लाहौर से, प्यारी बहन स्ट्रॉन्ग उज़्मा अभी आके पहुंचे हैं, अभी नाश्ता वगैरह उनको करवा रहे हैं। तो आप सबने हमारी आज की वीडियो के साथ जुड़े रहना है। बहुत ही बड़ा इंटरव्यू जो कि आपने उनके चैनल पर जाकर देखने हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल से हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ, लाइटिंग वगैरह कैमरे वगैरह ऑन हो रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप देख सकती हैं, जब अल्लाह ताला इंसान की जिंदगी में इतनी तकलीफें लेके आता है उसके बाद ढेर सारी खुशियां भी आती हैं। मुखालफो सड़ो सड़ो, आज इतना बड़ा इंटरव्यू लाहौर वाले लगती मेरे चैनल पे, मेरे चैनल पर, मेरे चैनल पे काफी सारे मुखालिफ खुश थी सन देखते, काफी सारे प्यारे सब्सक्राइबर भी खुश थी सन। ये देखें जी, आप लोग तो 1 मिनट की वीडियो देख के चले जाती हैं, लेकिन उस वीडियो को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना कुछ मतलब सेटअप करना पड़ता है। ये देखें, ये कैमरा है, ये लाइटिंग है, ये छोटी स्टिक है, और कैमरामैन जो है अभी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। अस्सलामुअलैकुम भाई, अल्लाह पाक का करम है, आप सुनाए आप कैसे हैं। वेलकम हो गया जी आपको डेरा गाजी खान में, आरजे के छोटे से घर में। कैसा लगा आज मुझसे मिलके? बहुत बुरा तो नहीं लगा? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और इतनी दिली खुशी हुई कि इतनी दूर से आप लोग मेरे लिए स्पेशली आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और सफ़र कैसा रहा? सच्ची बताएं, फिर गाड़ी किसने ड्राइव की? दूसरे भाई ने। अच्छा जी, चलो चले जी इंटरव्यू स्टार्ट कर लें, फिर बात करते हैं। Thank you.
सुषमा सिस्टर मेरे घर आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, ये देखे इतने सारे पैसे मेरे पास, चाहिए आपको? हाँ ये मेरे है, ये आपको देने आई, यही पैसे तो पहुँचाने आई हो, वरना तुम कैसी आती? इतने सालों से मैं तुम्हें YouTube में देख देख के तड़पती थी कि मैं इसको कहाँ से कैसे पकड़ूं। देख लें फिर आज मैं आपके पास खुद आ गई, जो लोग मुझे मिलने को तरसते हैं। उषमा सिस्टर यहाँ पे, एक तो ये बात साबित हो गई कि अल्लाह से एक दर बंद करें दे, सौ खोल लें दे। देखे प्यारे बहन भाइयों, अगर मेरा सबका शौहर मेरी इनकम निकलवाने के बाद दुबई भाग गया था, मैं 8-10 दिन परेशानी बनी मुझे, मैं काफी तकलीफ से गुजरी, रोती रही, तो अल्लाह ताला ने देखे कैसे मेरा वसीला बनाया। स्ट्रॉन्ग उज़्मा सिस्टर इतने माशाल्लाह ढेर सारे पैसे मेरे लिए इमदाद लेके आई हैं। जरूर, मैं जो ऐसी आयरन लेडी होती है मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, क्योंकि मुझे वो औरतें बहुत पसंद है जो जीरो से स्टार्ट करती हैं और फिर हीरो बनती हैं, और ऐसे हीरो जो हैं वो एसेट होते हैं हमारे पाकिस्तान का। ऐसी स्ट्रॉन्ग जो खवातीन होती हैं मैं उनके साथ खड़ी हूँ, तो ऐसी खवातीन नहीं जो कमज़ोर पड़ जाती हैं और जो रोती रहती हैं हर वक्त के शोहर ने ये कर दिया, रोने गिले शिकवे, ऐसी औरतों को सलाम है जो अपने बलबूते के ऊपर अपनी ज़िंदगी जीती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आरजे मैविस जो है ये और स्ट्रॉन्ग हों, इनका चैनल और चमके दमके, और इंशाल्लाह आप मेरे घर आ गई है ना, मुझे ऐसे समझे चैनल से वसूली हो गई है जी, तो क्योंकि इतनी दूर से लाहौर से 10 घंटे का सफर तय करने के बाद जिसकी अपनी YouTube पे माशाल्लाह इतनी धूम मची हो, इतने सब्सक्राइबर हो, मेरे प्यारे बहन भाई 2 लाख हैं इसके, 6 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल पे हैं इसके, माशाल्लाह 2-3 चैनल है, और 2-3 चैनलों से जो भी अर्न हो रही है ये अजराए अल्लाह खर्च कर रही है, इसका अपना किराए का मकान है। सबसे बड़े जर्फ की बात ये है जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा का चैनल है ना, उससे हम इनकम जो भी आती है, सिलाई, स्कूल, हॉस्पिटल, बड़े उससे सिलसिले जुड़े हुए हैं। जो उज़्मा की दुनिया है उसके ऊपर मैं अब अपने बेटे के साथ काम करना शुरू हुई हूँ, उस पर आप जाके मेरे व्लॉग देखिएगा जो आरजे मैविश के व्यूवर्स हैं, तो वहाँ पे आपको मेरी जब जिंदगी की स्ट्रगल पता चलेगी तो फिर आप लोग कहेंगे कि नहीं मैविश को भूल जाए, उज़्मा को पकड़ ले। नहीं, नहीं ये बात भी नहीं है, आप इनको नहीं, सही है ना करें। पता है मुझे कहते हैं बाजी आप हमारे जनूबी पंजाब की शेरनी हो, तो ये लाहौर की शेरनी है फिर, वो तो मैं हूँ। तो आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको मेरे साथ एक मेरा बब्बर शेर भी नजर आएगा बेटा, जो मेरा मुन्ना है जिसको लोग अक्सर कह देते हैं। नाम क्या है? मुन्ने का नाम है मोहम्मद नुमान। अच्छा, तो मैं उसको शुरू से मुन्ना ही कहती हूँ, मेरा वो मुन्ना ही। मुझे पता है मुन्ने के नाम से गुस्सा आता है क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला मेरा पहला शोहर उसका नाम मुन्ना था और उस मुन्ने को चल के मैं दिखाती हूँ, तुम कहोगी मैविश किसके साथ इतने साल गुजारे कैसे। मेरा मुन्ना देखा था माशाल्लाह, हमारा मुन्ना तो बच्चा है, मासूम है, वो तो ऐसे समझे बस कुछ नहीं कहती, अल्लाह ही बख्शे उसको। तो आपने वो मुन्ने के साथ 22 साल जो गुजार दी, असल में आप मुन्ने के साथ बिक गई थी। हाँ मजबूर थी मैं, और मजबूर थी आप, तब मुझे इतना सोच समझ भी नहीं थी, जब तक मुझे 10-15 साल मतलब मैंने दुनिया को समझा, हालात को फेस किया, फिर मैंने सोचा कि औरत इतनी कमजोर नहीं होती जितना उसको मर्द बना देते हैं। बिल्कुल, तो कोई भी कमजोर नहीं आपको बना सकता, अल्लाह आपके साथ खड़ा होता है हमेशा, अल्लाह आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है, अपने सारे मामला अल्लाह पे छोड़ा जी, और अल्लाह कभी भी दर बंद नहीं करता, रिज़्क अल्लाह के हाथ में, वो किसी ना किसी तरीके से 7 समंदर पार से भी आपके पास पहुंच जाए। जैसे कि किसने भेजे हैं मेरे लिए, उसका नाम बता दें। इंग्लैंड से, इंग्लैंड का शहर एक है मैनचेस्टर, वहाँ से खातून है, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये उन्होंने आपके लिए इतने ढेर सारे पैसे भेजे हैं। किसके नाम? आरजे मैविश के नाम। आरजे मैविश को उन्होंने कहा पहुँचा दे, ये मैं आपको देने आई हूँ, ये आप काउंट कर लीजिएगा खुद ही, फिर अपने व्यूवर्स को बता दीजिएगा, तो आप मेरे चैनल पे आइएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वहाँ से बड़े अच्छे हम व्लॉग सारे मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा चैनल पे, एक बार मुकम्मल मेरा इंटरव्यू पूरी लाइफ 24 साल की मेरी जिंदगी जो मैंने स्ट्रगल किया कहानी इन्होंने 1.5 घंटे में सुनाई है, तो वो आपने स्ट्रॉन्ग उज़्मा पे जब अपलोड होगा देखना है। हाँ। और उज़्मा की दुनिया पे आपने जाके मेरे व्लॉग देखने हैं, और वहाँ पे मैं इनके साथ भी आज व्लॉग बना के लेके जाऊँगी, वो आपने पूरा देखना। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। ये मेरे भाई हैं नवीद भाई कैमरामैन, और वो है वकास भाई जो कहते हैं जी 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 कह दिया भाई ने। वकास भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप इतनी दूर से हमारे लिए खास तौर पे मुझे अदनी सी बंदी को मिलने आए, मेरे सपोर्ट करने आए। और ये भाई तो पठान भाई, असी तो इन्हें ना रख दिता है जी, पठान भाई ये है भी पठान है। हाँ ये देखे जी, एक तो गर्मी से लाल हुआ हुआ, ऊपर से भाई वैसे ही लाल टमाटर है, तो बहुत खुशी हुई, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत इंजॉय किया हमने। थैंक यू जी, बहुत ही हमारी प्यारी लाहौर की जानी मानी हस्ती जिनसे मिलने के लिए अरसा दराज से हम इसे YouTube पर देख रहे थे, काफी बहन भाई भी देख रहे थे, आज ही हमारे घर तशरीफ लाई, हमारे क्या एक अदनी सी आरजे मैविश के घर। मेरे लिए यही काफी है कि इस मुआशरे में जितने चंद लोगों ने मुझे सताया वहां पर अल्लाह ताला ने
मुझे इज्जत बख्शने के लिए इतने प्यारे प्यारे लोगों को मेरे पास भेजा और साबित किया कि इस मुआशरे में सभी मर्द और औरतें गलत भी नहीं होते। तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा जानी मानी हस्ती माशाल्लाह, इनके यूट्यूब पे एक चैनल पे 6 लाख सब्सक्राइबर हैं और पे 2 लाख हैं, और तो इसके शोहर को तो गिने ना, मतलब अच्छे खासे चैनल है। और सबसे बड़ी खुशी की और फख्र की बात ये है कि जो भी ये यूट्यूब से अर्न कर रही हैं, ये अजराए अल्लाह खर्च कर रही हैं, अपने इनका किराए का घर है। और यूट्यूबर ये खास तौर पे मुझे ही कह ले, हमारी तरह नहीं है कि अपना ही घर भर रही है, नहीं। तो हम भाई सीधी बात करते हैं, हम जो कमाते हैं हम कहते हैं कि हमारी मेहनत है, हम क्यों इसे जो है ना और जगह खर्च करें। तो ये वाहिद इतनी बड़े दिल की औरत है, जितनी इतनी सी है, बिल्कुल नफीस सी। तो उसके साथ इसको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा ज़र्फ़ और दिल दिया है कि ये अजराए अल्लाह खर्च करती हैं। और आज ये लाहौर से मुझसे स्पेशली मिलने आई, मेरा मुकम्मल इंटरव्यू किया, साथ में ये मेरी अमानत मुझे पहुँचाने आई हैं। ये इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर, इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर से एक बहन ने भेजी है, और अल्लाह ताला उस बहन की या मैं भेजी गई न्याज कह लें, जो भी कह लें, ऐसे ना, आपकी तो, हेल्प की है। हाँ, उन्होंने मेरी हेल्प की है। तो अल्लाह ताला उस बहन की लंबी ज़िंदगी करे, उसके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। जो लोग बिन मतलब बिन लालच के हमें बिना जानते हुए हमारी इतनी सपोर्ट करते हैं, मुझे इस फील्ड में बहुत से लोगों ने सपोर्ट की। उज़्मा जब मैं घर बनवा रही थी तब भी काफ़ी लोगों ने मेरी इमदाद की, मुझे जाने पहचाने बगैर 4-4 लाख रुपये भी मुझे इमदाद मिली। जिसकी वजह से मैंने 1-1.5 साल में ये घर बनाया, और जिस पर मेरा ये सबका शौहर कहता है कि मैं 50 लाख रुपए दे चुका हूँ। और उज़्मा मैंने अपने बैंक का स्टेटमेंट निकलवाया, 1 करोड़ तक मैं अर्न कर चुकी हूँ माशाल्लाह जी, 4 साल में 1 करोड़ मैं अपनी अर्न कर चुकी हूँ। उसके बाद 20 से 25 लाख जब मेरा ये घर बन रहा था, लोगों ने भी मुझे इमदाद की थी, उनके भी नाम मैंने लिखे हुए हैं। तो वो शख्स कहता है कि मैंने 50 लाख में ये घर इसको बनवा के दिया, तो मैंने कहा मेरी 1.5 करोड़ के करीब जो हुई है वो कहाँ गई। नहीं देखे, जो जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है ना, वो आपके बच्चों की छत जी, आपके बच्चों के ऊपर जो छत का ही साया है वो बनने में उन्होंने हेल्प की जी, वो इसमें शामिल हो गए, तो इसमें उनको दुआएं। आपके बच्चे छत के नीचे बैठ गए, आप खाना पेट भर के बच्चे खाते हैं जी, तो ये सारी उनकी यानी कि आपको सपोर्ट है जो आपके साथ खड़े। हेटर्स को छोड़ दें, चंद लोग होते हैं हेटर्स जी, वो उसमें जलने वाले होते हैं, जो आगे खुद नहीं जा पाते, कामयाब नहीं हो पाते, फिर किसी कामयाबी को देखता हुआ जलते हैं, वो आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और आप अपनी सफाइयाँ ना दिया करें, अल्लाह का छोड़ा करें, पता की बात है, आपने अल्लाह को जवाब देना है। हर बंदा अपने हिसाब का खुद जवाब दे, आप उनको छोड़ें, आप अपने यूट्यूब दबंग काम करें, उससे इनकम कमाएं, अपने बच्चों का पेट पालें, खुद अपने रहन सहन। और सबसे बड़ी बात, आज स्ट्रॉन्ग उज़्मा मुझे ऑफर करके जा रही है, कहती है अकेली कब तक तुम इस इलाके में स्ट्रगल करोगी, लोगों की अच्छी बुरी सुनोगी, तो ये कहती है यहाँ ये घर बेच दो तो लाहौर आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ घर भी लेके देती हूँ, जो इधर से पैसे होंगे इस घर से। तो देखिए आपके पैसों की जरूरत नहीं, वो आप अपने पास रखिएगा। हाँ, नहीं मैंने मतलब घर बनाने के लिए, हम आपकी हेल्प करेंगे आपके घर लें इंशाल्लाह। तो आप लाहौर आ जाए, यहाँ पे ये सोसाइटी जो है ये बहुत खतरनाक सोसाइटी, बिल्कुल जीना हराम है। बच्चे और आप अकेली औरत है, तो ये जो सोसाइटी है ये मुआशरा मर्दों का है, तो हर मर्द बुरा नहीं होता, लेकिन आपको पता मोस्टली जो मर्द हैं वो हुक्मरानी करते हैं औरतों के, और उनको जैसे आपके शोहर ने आपके साथ किया बहुत बुरा किया। मैं ये कहूँगी कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनकी 2 छोटी बच्चियाँ थी, कम से कम उनका ही लिहाज करते अपनी। तो उस मर्द को इतना कुछ करने के बाद इतना लिहाज नहीं है, वो बस मेरे नाम से फेम ले गया है, अभी उसके फॉलोअर आ रहे हैं, वरना 3 साल में उसने टिकटॉक उसमें ज्वाइन की हुई थी तो उसके कितने 21 से 22 फॉलोअर थे, आज मेरी वजह से इतने फॉलोअर हो गए, आज वो बस टिकटॉक बना रहे, लड़कियों के साथ लाइव आके गप्पे लड़ा रहे, हंस हंस के बातें कर रहे, उसको इतना भी शर्म हया नहीं है कि मैं एक औरत की ज़िंदगी ख़राब करके बैठा हूँ, बल्कि 2 औरतों की, पहले से भी शादीशुदा था, 1 बेटी उससे है, 2 बेटियाँ इससे हैं, तो कल को मेरी बेटियों ने भी आगे जवान होना है। तो ऐसे कमी और घटिया मर्द के लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, छोड़ रही हूँ आपके ऊपर कि देखिए 3 बेटियां भी हो गई, 2 औरतों की जिंदगी खराब कर ली, अभी भी उसे कोई परवाह ही नहीं है, और औरत फंसाने के चक्कर में है। मेरी बहन स्ट्रॉन्ग उज़्मा दिल को उदास करके जा रही है, 2-3 दिन से इनका इंतजार था कि कब आएंगी, और इनकी और हमारी लाइव मुलाकात पता नहीं कैसी होगी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, और इनकी और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मुलाकात रही, और ये मेरी अमानत काफ़ी सारे पैसे मुझे देके जा रही है, जो अभी मैं इनके जाने के बाद गिनकर आप सबको दिखाऊंगी, इसीलिए अभी आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। बहुत शुक्रिया उज़्मा, अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ दे, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक आपके बच्चों की अच्छी नसीब।
ताला आपको खैर खैरियत से ले जाए। आमीन। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। रॉन्ग उज़्मा ने तो कहा था कि पैसे आप काउंट कर लें, लेकिन मैंने कहा मैंने किसी से कर्जा तो नहीं लेना था कि मैं काउंट करूं। और मैं यहाँ पर उस बहन को ढेर सारी दुआएं देती हूँ जो बिन मतलब बिन लालच के गैर मुल्क से सिर्फ मेरी वीडियो देखते हुए ना जान ना पहचान के होते हुए भी उसने इतना हमारी हेल्प कर दी आज के दौर में, जहाँ पे महंगाई के दौर में अपने ही अपनों को काटने को दौड़ रहे हैं। तो काउंट करते हैं लाइव इतना मैं चाचे खोजी कुयो पैगाम दे सा चाचा देख हलाल दे हंते देख कीवे अंदे पन माशाल्लाह मेरे अपने भी वाला हंते नाल अल्लाह से मैं को तेरे दुश्मन को निखालन वास्ते इतना बेनतहा वसीरे कता करे ना पै तेरे हराम दे उसन हराम थे उसन बाकी मेरे उते जिरे बकवासा मरे ना वदे ना झूठे इल्जाम ले ना वदी तेरा कुछ नहीं बनना तू अपनी गेम में आप फंस से। ये देखे जी माशाल्लाह 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 101, 102, 102, 103, 103, 104, 104, 105, 105, 106, 106, 107, 108, 108, 109, 109, 110, 110, 111, 111, 112, 112, 113, 113, 114, 114, 115, 115, 116, 116, 117, 118, 119, 119, 120, 120, 121, 121, 122, 122, 123, 123, 124, 124, 125, 125, 126, 126, 127, 128, 128, 129, 130, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 138, 139, 140, 140, 141, 141, 142, 142, 143, 143, 144, 144, 145, 145, 146, 146, 147, 147, 148, 148, 149, 149, 150, 150, 151, 151, 152, 152, 153, 153, 154, 154, 155, 155, 156, 156, 157, 157, 158, 158, 159, 159,
गैर मुल्क से आई थी, तो आया 1,00,000 रुपया था, लेकिन स्ट्रांग उज्मा को जिस मेरी बहन ने गैर मुल्क से मेरे लिए इमदाद भेजी, उसने कहा था कि स्ट्रांग उज्मा को अगर सफर हो तो इन्हीं पैसों में से आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर आरजे महविश को ये मेरी तरफ से उसके बच्चों के लिए इमदाद पहुंचाओ। तो अल्लाह ताला उस बहन को ढेर सारी खुशियां अदा करे और साथ में वसी रिज़्क़ अता करे। तो यहाँ पर चंद जो मेरे इलाके के बंदे मेरी रोजी रोटी तंग करने पर तुले हुए हैं, बार बार अल्लाह पाक उनको सजा के तौर पर दिखा रहा है कि देखो तुम लोग जितना आरजे महविश की रोजी तंग करोगे देने वाला मैं हूँ। चाचा खोजी देख देख ते साड़ तू तो मेरे को नजायज दे चिट्टिया वसूल करने ते वदावे, अल्लाह से मैं को मजीद तंजा दुश्मन को साड़न वास्ते 1,00,000 रुपया ब्याई दे दीते, ते मेरा आधा वदावे ना लोके को इने हराम दी तनखाई ही गालो इनी पाए चागे हराम थई है, मेरी हलाल दी ही हलाल वाली है, हराम तुआरे जे खंदे वदन ते हराम दी मडी तुआरी होंदी है, लीलाम थींदी है तैकू तंजा दुश्मन को साड़न वास्ते अल्लाह ताला मैं को इतना वसीर रिस्क देना पाए।